हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, द बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसमें हमने किया था मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्या, हमने उनको ग्राफिकली प्रेजेंट किया था। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। देखिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। हम कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर और फाइनेंशियल प्लानर जानना चाहते हैं कि जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी। या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा रिसीव हो, तो इतनी पैसा रिसीव करने के लिए हमें आज इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोनों फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में हमने कोई प्लानिंग की है, हमें घर बनाना है, कोई गाड़ी परचेज करनी है, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख की खरीदनी है। तो उस फ्यूचर में 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए हमें आज कितनी की सेविंग करनी चाहिए कि फ्यूचर में हमारे हाथ में 10 लाख रुपया हो और हम गाड़ी खरीद पाए। या फिर हमने कहीं क्या कोई सेविंग कर रहे हैं, और तो हमें ये जानना चाहती हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम आज इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज गिवन स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो फ्यूचर में हमारे को मनी मिलने वाली है, या फिर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो मीन्स कैश फ्लो की सीरीज, यानी कि एक साल बाद हमें पैसा मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर मिल रहा है, ऐसे स्ट्रीम है, यानी कि सीरीज है कैश फ्लोज की। जो फ्यूचर में हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसा मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी हर साल, हर एक एक साल बाद, दो दो साल बाद, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न हमें मेंशन होगी कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% पर, 8% पर, 15% पर, तो वो हमारी होगी रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए करंट एसेट एट ए फ्यूचर डेट बेस्ड ऑन एन अज्यूम्ड रेट ऑफ ग्रोथ। कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो हमने आज इन्वेस्ट किया हुआ है, आज उसकी तो आज जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, हमारी एसेट की फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी। फ्यूचर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स टू एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट मेड टुडे विल इट वर्थ इन द फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्लानर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम एक फिक्स अमाउंट गेट कर सकें। तो देखिए, इन दोनों को हम एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमारा फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न पावर टाइम। टाइम इज इक्वल टू, हम इसको यहां पर 1 अज्यूम कर लेते हैं। देखिए अमाउंट क्या है, जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो अमाउंट को हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। प्रिंसिपल जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर टी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। और ऐसे ही हमारा हो गया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। सम करते हैं, मान लीजिए हमने आज 10,000 का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% की रेट से, तो एक साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 1। 10,000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 11,000। यानी कि अगर आज हम 10,000 में इन्वेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से, तो एक साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, 11,000 रुपया। ऐसे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। तो फ्यूचर वैल्यू हमारी 11,000। फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद हमें 11,000 मिलना है, तो आज हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी, यानी कि 1.1 की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। अब देखिए, जो ये हमारे पास ये चीज है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। तो यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, कि हम जो हमारी
फ्यूचर वैल्यू है उसे क्या इवेल्यूट कर रहे हैं, तो उसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और ये फैक्टर है जो इसकी वैल्यू वो है हमारे क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर। The process of evaluating future value future value obligations as an equivalent present value is called discounting. यानी फ्यूचर वैल्यू की हेल्प से हम जिस फैक्टर की हेल्प से हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वही होता है हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब देखिए मान लीजिए ज्यादातर हमें केसेस में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें 10% रहती है, तो इस 1 divided by 1 plus 0.10 यानी कि 1 divided by 1.1, तो इसका क्या है हमें तीन चार लिमिट्स को तीन चार वैल्यूज को हम लर्न करके रख सकते हैं। 1 divided by 1.1 की पावर यानी कि हम एक साल के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यू तो ये डिस्काउंटर फैक्टर है जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.909। अगर 2 साल हमें टाइम दिया हुआ है तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.826। अगर 3 साल दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.751। तो हमें क्या है इस बार कैलकुलेटर थोड़ी की जरूरत नहीं है, हम इसे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या कहता है, ये क्या है जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको क्या है इवेल्यूट करने का मेथड है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, किस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए किसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली हम उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये क्या हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि किसी प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट रहता है या लॉस रहता है, और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी हम क्या करेंगे उसी में इन्वेस्ट करेंगे, वही हमारा प्रॉफिटेबल होगा, उसी में उसी को में क्या है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में दिया हुआ है। When to cut a tree. Suppose that you have the opportunity to plant trees that later can be sold for lumber. कहते हैं कि हम एक ट्री प्लांट कर रहे हैं जो फ्यूचर में वो ट्री बड़े होके क्या इमारती लकड़ी हमें प्रोवाइड करेंगे। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले मनी इन ऑर्डर टू परचेज एंड प्लांट द सीडिंग, नो अदर कैश फ्लो ऑकर अंटिल द ट्रीज आर हार्वेस्टेड। हाउएवर यू हैव अ चॉइस एज टू व्हेन टू हार्वेस्ट आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर। अब हमारे पास चॉइस है कि हम अगर आज ट्री प्लांट करते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि हम उसे 1 साल बाद काटें या 2 साल बाद काटें। अगर हम 1 साल बाद काटने हैं तो हमें जो रिटर्न है वो कम मिलेगी, 2 साल बाद क्या हो जाएगा वो ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा, लकड़ी ज्यादा मिलेगी तो रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगी। तो
हमें क्या है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एस्टिमेशन देता है कि हम ट्री को कब काटे, कब काटेंगे जब नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए उन्होंने कहा है अगर हम एक साल बाद काटते हैं तो हमारा जो कैश फ्लो की स्ट्रीम दी है वो दी है -1,2। अगर हम उसे दो साल बाद काटते हैं तो हमें कैश स्ट्रीम दी हुई है -1,0,3। तो यहाँ पर ये -1 में क्यों है, क्योंकि ये पैसा जो हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, जब हम स्टार्टिंग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हमारा आउटफ्लो है वो माइनस हो रहा है, इसलिए हम इसे माइनस में शो कर रही है। अगर हम इसके एक साल बाद करते हैं तो हमें कितनी पैसे मिल रहे हैं, $2 कुछ भी है, हम इस एस्टिमेट किया है। अगर हम इसे दो साल बाद काटते हैं तो -1 तो क्या हमारा आउटफ्लो हो गया, 0 रन की हमें पहले साल नहीं काटा तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रही। दूसरे साल हमें काट रहे हैं तो कितने रिटर्न मिल रहे हैं, हमें ₹3 मिल रहे हैं। तो हमें एक साल बाद काटना चाहिए तो दो साल बाद काटना चाहिए। तो हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की हेल्प से। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम फॉर्मूला लगाते हैं -1+2/, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1.1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.82। अगर हम दो साल बाद की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं -1+ तो 0/1.1 की पावर 1+3/1.1 पावर यहाँ कितनी हो जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.48। अगर हम एक साल बाद अपने ट्री को काटते तो हमें 0.82 रुपीस मिलते हैं, अगर हम दो साल बाद काटते तो हमें 1.48 रुपीस मिलते हैं। तो हमें ट्री को कब काटना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पर दो साल बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है रिटर्न ज्यादा मिल रही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम यहाँ से क्या एस्टिमेशन लगाते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि x0+x1 जो एक साल बाद पैसा आएगा (1+r^1) जो सेकंड ईयर आएगा सेकंड कैश फ्लो सेकंड ईयर का (1+r^2) एस डेट जितने भी साल आएंगे वो हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा रह गया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इवेल्यूएशन क्राइटेरिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और तब तक आपको समझ आया होगा। गुड लक, थैंक यू।